हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में ट्रैवलर पहाड़ से। एक बार फिर से मेरी नई वीडियो के साथ जा रहे हम क्रिकेट खेलने। अभी हम यहाँ से तीन हैं और यहाँ से अजय भाई नवीन लेफ्टेंडर जो माना जाता है सबसे बेस्ट प्लेयर। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ। आज शायद से 7 साल अपने टूर्नामेंट का फिर से आगमन कर रहा हूँ बांगरा पगड़ ग्राउंड से। और ये समझो कि 7 साल पहले क्रिकेट छोड़ा था और फिर दोबारा आज जा रहा हूँ। अभी हम नीचे के रास्ते आ रहे हैं, ऊपर के रास्ते भी हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो हम उनसे जाके मिलेंगे फिर आगे जाएंगे। पहले हम नहाएंगे फिर क्रिकेट खेलेंगे और हम आपको नहाने का वीडियो बनाएंगे, आपको भेजेंगे जरूर, इसके साथ ऐड टीम करके देखेंगे। और भाई का जो स्विमिंग का जो चैंपियन है वो मेरे को ही माना जाता है हमारे गाँव से। और हम आपको दिखाएंगे हम कैसे स्विमिंग करते हैं पहाड़ों में। जो पहाड़ों का जो स्विमिंग होता है वो अलग टाइप होता है, वो दिखावा नहीं होता है कि इन्जॉय होता है सबके साथ मिलकर, जिसको आता हो नहीं आता हो, लेकिन तालाब में जब जाते हैं हम इन्जॉय करते हैं स्विमिंग पूल में। हमारा स्विमिंग पूल हम आगे आपको दिखाएंगे। चलो के साथ चलते हैं हम। तो अभी हम काफ़ी दूर जाने हमें, यहाँ से हमारा फील्ड काफ़ी दूर है, यहाँ से आपको दिख अभी काफ़ी लोग आ गए हैं हमारे साथ ही। तो हम नहाते हैं अभी, लोग आ गए अभी, हम इंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग पहाड़ी स्विमिंग। अरे आप भी आ जाइए। हेलो भाई साहब, आप भी आ जाइए। हम अब खेलने की तैयारी में थे लेकिन बारिश हो गई है, अभी थोड़ी बारिश आने की संभावना है और बारिश के बाद खेलने की मजा ही कुछ और है। लेकिन बारिश ऐसे नहीं होगी ना, अगर बारिश ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा नहीं इतना ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड है देखिए, खूबसूरत ग्राउंड बांगरा स्टेडियम। लेकिन आज अभी बारिश तेज हो गई है और ऊपर से बारिश आ रही है, तो लगता है कि मैच रद्द न हो जाए आज। मौसम थोड़ा ख़राब लग रहा है, तो इसके बाद खेलेंगे हम अगर बारिश रुकी तो। लगता है बारिश नहीं रुकती है और यहाँ पे बैठे हैं। इंतजार में कि कब बारिश रुकेगी। तो लगता है थोड़ा बारिश कम होगी अभी, तो हम इस गोडार से नीचे जाते हुए, और ये हमारे आगे परवीन सिंह, थोड़ा आराम चलना भाई, कहीं गिरना मत। ये देखिए बीच में थोड़ा पानी है अभी, तो उस पानी को हटाएंगे हमारे पिच क्यूरेटर दिनेश रावत जी, और थोड़ा आराम से आते हैं। आज चलो चलते हैं, बारिश साफ है। हाँ लगता है थोड़ा पिच साफ करते हैं हम। और थोड़ा बारिश रुकती हुई तो हम खेलेंगे। अब पिच थोड़ा गीली है, देखिए काफी गीली लगती है। गीली
थोड़ी गीली लगती हुई, लेकिन अब इसमें कैसे खेलेंगे हम? ओ भाई, इसमें थोड़ा मिट्टी मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल दो जरा। तो दिनेश रावत जी पिच क्रिएटर, थोड़ा पिच की मरम्मत करते हुए। चार बज चुके हैं शाम के, वैसे तो हम 3 बजे से खेलते हैं, लेकिन आज बारिश काफी देर तक रही। यहाँ से मिट्टी, अरे यहाँ से मिट्टी निकालते हुए देखिए, रबाड़ा और कबाड़ा दोनों लगे हैं। तो ग्राउंड ग्राउंड को दिखाते हैं, इतना अच्छा लग रहा है, थोड़ा हरा भरा। गुड गुड, टॉस कीपर के लिए सात एक टीम है और टॉस की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। चलो चलते हैं। टॉस जीत के बैटिंग, यस यस यस, चलो लेट्स गो। 10 ओवर का मैच होगा और फिर तो एक टीम में सात हो गए हैं, हम 14 आदमी हैं। जरा एक अच्छा ड्रॉप होगा, मैच शुरू। 10 ओवर का खेला जाएगा और ओपनर गए हैं सुपरबाद और नॉन स्ट्राइक एंड पे पवन। देखते हैं बॉलिंग करेंगे सुदीप राणा जी। तो देखते हैं सुपरबाद पहले ओवर में क्या करते हैं। दो ओवर की समाप्ति पे 4 रन। हमारे ओपनर क्या कर रहे हैं भाई, 2 ओवर 4 रन, बहुत दबाव महसूस कर रहे क्या पवन? लगता है बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं। और ये रन आउट करा दिया है सोनू ने पवन को। बारिश के बाद क्रिकेट का आनंद लेते हुए यहाँ पे सारे खिलाड़ी। और एक और छक्का, इसी छक्के के साथ 46 रन पहुंच चुका है हमारी टीम का स्कोर। बहुत नीचे रहती हुई गेंद, होल्ड आउट किया, इस गीली पिच के कारण यहाँ पे गेंद नीचे रही, इस कारण यहाँ पे सोहन लाल आउट हो चुके हैं।
उन्होंने अपना व्यक्तिगत स्कोर 36 रन पे आउट हो चुके हैं, लेकिन टीम का स्कोर यहाँ पे जा पहुँचा 53 रन। दोस्तों आपको बता दें, ये ग्राउंड गडगू के बांगरावगढ़ का स्टेडियम कहा जाता है यहाँ इस ग्राउंड को। What we do here is go back. अच्छी गेंद यहाँ पे मिस्टर अंकित के द्वारा और इसी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। यहाँ पे हमारे साथी नागेंद्र सिंह इसके बाद शायद ओवर करेंगे, क्या कैप्टन इनकी ओर गेंदबाजी का भार संभाल पाएंगे? मिस्टर नागेंद्र सिंह लंबे कट काट के गेंदबाज और यहाँ पे पटकी गेंद मिस्टर दीपक ने कट कर दिया एक रन के लिए। यहाँ पे नवीन सिंह बहुत लीटू भागते हैं, यहाँ पे रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच तालमेल ठीक ढंग से नहीं और रन आउट का पूरा खतरा दोनों के बीच। तो इस मैच के हिसाब से इन दोनों को टिकना होगा। अभी 7 ओवर चल रहा है, प्रगति पे है और यहाँ पे मिस्टर दीपक अपने स्ट्रॉन्ग जोन की ओर इशारा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ नीचे गदेरे में यहाँ पे हमारे कप्तान मिस्टर अनिल राणा जी काफी उत्सुक हैं अपने टीम की जीत के लिए। देखते हैं इनकी कैप्टनी का क्या हाल रहता है इस मैच में। आज बारिश हुई इसका खासा यहाँ पे जो विपक्षी टीम के गेंदबाज हैं खासा प्रभावित नहीं कर पाए हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे गीली पिच है उस हिसाब से गेंदबाजी नहीं कर पाए, अपनी लाइन लेंथ नहीं पकड़ पाए हैं। फिर भी यहाँ पे दीपक सिंह और यहाँ पे उठा दिया है लेग साइड में एक रन के लिए और यहाँ पे रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट हिट मिस्टर गल्ला के द्वारा यहाँ पे डायरेक्ट हिट। मिस्टर दीपक यहाँ पे हल्की गेंदें आ रही हैं, आपको टिक देख के खेलना पड़ेगा तब जाके बॉल बैट पे कनेक्ट हो पाएगी, अन्यथा इस पिच गीली पिच में ऐसे शॉट नहीं खेल पा सकते हैं, ऐसे कट शॉट मारने पड़ेंगे चौके के लिए। देखिए यहाँ पे गेंद मिश्रा हमारे इसके बाद इसी चौके के साथ यहाँ पे टीम का स्कोर जा पहुँचा 69 रन। 8वें ओवर की प्रगति पे यहाँ पे मिश्रा अंकित अपने कोटे का दूसरा ओवर काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं अपने टीम के लिए। देखना होगा नवीन सिंह और शॉर्ट बॉल यहाँ पे बहुत तेज आई गीली पिच के कारण, यहाँ पे शॉर्ट बॉल बहुत तेजी आ रही है इस कारण यहाँ पे नवीन सिंह कनेक्ट नहीं कर पाए और डॉट माने माने बल्लेबाज मिस्टर पोलार्ड काफ़ी लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं यहाँ पे मिस्टर पोलार्ड। देखिए शॉर्ट बॉल को ये छोड़ते नहीं है और पहले ही गेंद पे अपना 400 का स्ट्राइक रेट से 4 रन बना दिया है यहाँ पे मिस्टर पोलार्ड ने। इन पे पूरी जिम्मेदारी रहेगी टीम का लंबा स्कोर खड़ा करने में, इसीलिए इनको 9वें ओवर में भेजा गया है। देखना होगा यहाँ पे मिस्टर पोलार्ड दूसरी गेंद पे अजीब गरीब ढंग से खेला यहाँ पे मिस्टर पोलार्ड ने, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, दस्ताने हैं लेकिन कोई बात नहीं। बढ़िया ढंग से यहाँ पे एक और दंदनाता चौका मिस्टर पोलार्ड के द्वारा कवर ड्राइव कर दिया है यहाँ पे, बिना देखे ही कवर ड्राइव मार दिया है यहाँ पे। तो इनकी ये खासियत है सॉरी यार इनका स्ट्रॉन्ग जोन जो मिस्टर अंकित के पास टीम के कप्तान ने तीसरा ओवर दे चुके हैं यहाँ पे, जबकि उन्होंने 2 ओवर में 35 रन दे चुके हैं यहाँ पे, 1 विकेट लिया है उन्होंने इस बार। काफ़ी अच्छी गेंद, मिस्टर पोलार्ड समझ नहीं पाए इस गेंद को और बैट का बाहरी किनारा, लेकिन विकेट कीपर कैच नहीं कर पाए। 82 रन हमारी टीम का स्कोर और सामने वाली टीम को चाहिए 83 रन। तो अब देखते हैं हमारे बॉलर ओपनर बॉलर सचिन, देखते हैं कैसी गेंदबाजी करते हैं। और हम टूर्नामेंट का आगमन कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरी पारी चल रही है हमारी इवनिंग की और यहाँ पे हमारे साथ हमारे जो थ्रो बॉलर दिनेश भाई जी और उनके साथ यहाँ पे दूसरे बैठे हैं रवाड़ा जी, जिनकी मैंने इससे पहले भी बात की थी, ये तेज गेंदबाज रवाड़ा सिंह हैं जो कि हमारे यहाँ पे गिने चुने गेंदबाज हैं। उसके बाद आपको मैं बाद हम आपको इस सामने
प्यारा सा उत्तराखंड का जो क्रिकेट है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। खेतों के बीच में दूर दूर आपको दिख रहा है ग्राउंड में। और ये 0 रन बना के आते हुए निराश। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम आपको ये सामने प्यारा सा उत्तराखंड का जो क्रिकेट है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये देखे यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। खेतों के बीच में दूर दूर आपको दिख रहा है ग्राउंड में। अरे अभी जो क्रिकेट आया बेटा यार ग्रुप में ही बावे चढ़ दे बड़ा जोरदार सुनने के बाद। गले मत एंटर भी चला लगल थी एंटर भी हम तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप। और अब जहाँ से गोपाल जा रहे हैं बॉल आउट अनिल भाई कैप्टन आउट हो गए। दोस्तों खेलने से आ चुके हैं अभी दिन कैसा लगा आपको दोनों को। अब हारी हुई टीम के हैं क्योंकि आप दोनों मैच हार चुके हैं सीरीज भी गवा चुके हैं तो कैसा लगा आपको। अच्छा अंकित आपको आप कितने रन जा रहे हैं। एक रन से हारे ना तो कैसा लगा कैसे फील हो रहा आपको। अच्छी लगी।